हेलो चू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजा सिस्टर डे। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.1 आज से हमने स्टार्ट कर दी है। इसके पहले हमारा मैंने इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी। अगर आपने नहीं देखी है, देख लेना। इंट्रोडक्शन क्लास देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एक्सरसाइज में उतना नहीं दिया होता है जितना हमारा इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मिल जाएगा। वहां पे हमने एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझाया है, साथ में जितने भी उदाहरण है उनको सॉल्व कराया है, साथ में प्रयास कीजिए वाले जो भी क्वेश्चन हमारे आते हैं वो भी हमने सॉल्व कराए हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास देखनी आपके लिए जरूरी है। हो सकता है कि 2 या 3 इंट्रोडक्शन क्लास हमने कवर कराई हो, जहाँ पे हमने पूरे चैप्टर का एनालाइज कराया है, तो वो देख लेना। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलती है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। फिलहाल अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होता है, जैसा कि सबसे पहले तो हम आपको यही बता देते हैं। जैसे कई सारे डेटा दिए हैं, मान लो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 8 है, 7 है, इस तरीके से कई सारे डेटा दिया गया है। जो सबसे छोटा वाला नंबर है और जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, परिसर होता है। ये तो हुआ मोटी मोटी की भाषा में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या कर ले, हम क्या क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, आप अपनी क्लास के हिसाब से जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से आप यहाँ पे सारणी बना सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने 10 विद्यार्थियों की बात की है तो हम उसी हिसाब से सारणी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो 10 इस तरीके से बनानी है कि कम से कम 10 विद्यार्थी जो हैं इसमें शामिल हो ही जाएं। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने में हमारे 10 विद्यार्थी जो हैं वो आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, इतना रखते हैं, ये उतना ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इतने में हम ऊंचाई लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा और इधर हमारा नाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना इंडेक्स बना लेंगे। ठीक है, इतना सही है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं क्या क्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सीरियल नंबर। क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर, या SN भी लिख सकते हो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम SN इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे नाम। ठीक है, और यहाँ पे हमें आयु, मतलब एज, और एज जो आयु नहीं, यहाँ पे ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आयु थोड़ी ना आएगा, तो यहाँ पे तो हमारी क्या आएगी, हाइट आएगी ना, मतलब ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई जो है हम किस में ले रहे हैं, फुट में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 विद्यार्थियों की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये 10 नंबर हम पहले डाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, देखते क्या है, बोलते क्या है, अभी वही हो जाता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे हो गए 10 विद्यार्थी। ठीक है, अब नाम की बात करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो आपकी क्लास में कोई अमित है। ठीक है, और मान लो कोई है, कोई लड़की है, ठीक है, जिसका नाम रुचि है। कोई दूसरी लड़की है जिसका नाम क्या है, ज्योति है। कोई और लड़की है जिसका नाम क्या है, प्रीति है। और कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, कान्हा है। और कोई आपकी क्लास में कोई छठा बच्चा है जिसका नाम क्या है, ओजस है। ठीक है, कोई और कोई और लड़की है जिसका नाम क्या है, तेजू है। ठीक है, और कोई और लड़की है जिसका नाम क्या है, हरी है। और एक का नाम राम है, और एक का नाम विकास है। ठीक है, इस तरीके से आपके स्कूल में कुल
10 लोग हैं। मान लो अमित की हाइट जो है कितनी है, 5.3 फुट है, ठीक है। रुचि की हाइट 5.1 फुट है, ज्योति की हाइट 5.0 फुट है, प्रीति की हाइट 5.2 फुट है, काना की हाइट 4.9 फुट है, ओजस की हाइट मान लो है 3.2 फुट है, तेजू की हाइट मान लो 2.3 फुट है, हरि की हाइट मान लो 5.4 फुट है, राम की हाइट मान लो 6 दशमलव क्या मान लेते हैं, 6.8 फुट है, ठीक है। ये हमने दशमलव लगाया है, ठीक है, यहाँ पे हम सही से लिख देते हैं। विकास की हाइट मान लो 6.9 फुट है, ठीक है। इस तरीके से हमने सबकी हाइट लिख दी। अब ये क्या कह रहे हैं, ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। परिसर ज्ञात करना है तो परिसर का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं, परिसर, ठीक है। परिसर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अधिकतम माइनस न्यूनतम, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमारा अधिकतम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अधिकतम, यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और तो अधिकतम ऊंचाई हमारी कितनी है, 6.9 है, ठीक है। और न्यूनतम ऊंचाई हमारी कितनी है, 2.3 है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हम आपको दिखा देते हैं। अधिकतम ऊंचाई हमारी विकास की है 6.9 और न्यूनतम ऊंचाई है जो है वो हमारी 2.3 है तेजू की, ठीक है। तो अब हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 9 में से 3 गया, 6 बचा, और यहाँ पे 6 में से 2 गया हमारा, 4 बचा, तो 4.6, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया है, परिसर आ गया है। और हमने क्या रखा था, फुट में रखा था, तो हम यहाँ पे फुट भी लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको अपने क्लास में लोगों के नाम लिखने, उनकी ऊंचाइयां, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे एक साथ भी क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक है, और डालिएगा एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है। ये डालोगे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, अगर इस चैनल का नाम डालोगे जोजस स्टडी तो तुरंत आ जाएगा। और उस ऐप को ओपन करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो पर्पल सेक्शन आ जाएगा, वहां पे एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन लिखा होगा, उस पर टच करेंगे तो एनसीईआरटी की सारी किताबें ओपन हो जाएंगी। जो ऊपर क्लासेस है वो यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बोर्ड वालों के लिए आपको पर्पल सेक्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आपको सारे के सारे आपकी बुक्स हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में सारे प्रोवाइड हो जाएंगी, उनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। मैथ्स में मैंने 2 तरीके के सोल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं, एक तो ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो, दूसरे हमारे कौन से, दूसरे हमारे प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और जो मैंने आपको पूरा चैप्टर एनालाइज कराया है, उदाहरण सॉल्व कराए हैं, प्रयास वाले क्वेश्चन कराए हैं, वो वाली पीडीएफ भी आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो सारा सब कुछ बिल्कुल फ्री में है, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, और इन आंकड़ों का परिसर क्या है और इनका माध्य क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे करनी है। तो चलिए कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है भाई सारणी बनाओ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारणी बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सारणी बना लेते हैं, ठीक है। इतना काफी है, उतना हमें नहीं ले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको हम रफ कर देंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा बन गया है, ठीक है। ये तो हमारा सीरियल नंबर के लिए हो गया, ठीक है, और ये हमारे अंक के लिए हो गया,
है, और ये हमारा मिलान चिन्ह के लिए हो गया, ठीक है, और ये हमारा किसके लिए हो गया, बारंबारता के लिए हो गया, इतना काफी है, उतना हमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने हिसाब से ही करेंगे, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से ये कर देंगे, तो ये हो गया, ठीक है, तो हम अब सारी चीजें जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या क्या हमको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है, फिर यहाँ पे हमें लिखने हैं अंक जो हमारे दिए गए हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे मिलान चिन्ह लिखेंगे, ठीक है, मिलान चिन्ह, ठीक है, और यहाँ पे हम बारंबारता, ठीक है, बारंबारता लिखेंगे, ठीक है, और बारंबारता में ये है क्या, हमारी विद्यार्थियों की संख्या, यही हमारी क्या है, बारंबारता है, ठीक है। अब हम अंक लिखे हैं, पहले तो सीरियल नंबर लिख लेते हैं, कितने हमारे अंक यहाँ पे दिए गए हैं, हम देखते हैं, सबसे छोटा अंक जो है एक है, एक के बाद दो भी है, दो के बाद हमारा तीन भी है, चार भी है, ठीक है, और पांच भी है, छह भी है, सात भी है, आठ भी है, नौ भी है, तो जीरो तो है नहीं, ठीक है, तो हमारे एक से लेकर नौ तक हमारे अंक दिए गए हैं, पहले तो हम सीरियल नंबर लिख देते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ठीक है। अब अंक हमारे पास कौन कौन से थे, एक था हमारे पास, दो भी था, तीन भी था, चार भी था, पांच भी था, छह भी था, सात भी था, आठ भी था और नौ भी था, इस तरीके से हमारे पास ये अंक दिए गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं मिलान चिन्ह की, देखो एक जो है कितनी बार आया है, तो एक जो है हमने यहाँ पे देखा, एक जो है सिर्फ एक बार आया है, ठीक है, एक एक बार आया है, एक को हम मिलान चिन्ह में ऐसे ही लिखते हैं। मिलान चिन्ह क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है फिर भी हम आपको बता देते हैं, एक को हम ऐसे लिखते हैं, अगर दो होता है तो दो को ऐसे लिखते हैं, तीन होता है तीन को ऐसे लिखते हैं, चार होता है चार को ऐसे लिखते हैं, अगर पांच है तो पांच को हम ऐसे लिखते हैं, छह है तो ये पांच तो ये हो गए, छह ये हो गया, अगर सात है हमारे पास, सात को ऐसे लिखेंगे, आठ है तो आठ को ऐसे लिखेंगे, नौ है तो नौ को ऐसे लिखेंगे, दस है तो ऐसे लिखेंगे, 11 है तो ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से ये होते हैं हमारे मिलान चिन्ह, ठीक है। तो मिलान चिन्ह भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं भाई, दो जो है हम कितनी बार देखते हैं, दो जो है एक बार है, दो बार है, दो ही बार हमारा दो है, दो हमारा कितनी बार है, दो बार है, तो दो को हम मिलान चिन्ह में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तीन देखते हैं, तीन हमारा एक बार है, एक ही बार है हमारा तीन, ठीक है, तो तीन यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे, आया है हमारा तीन। चार हम देखते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, चार जो है वो हमारा तीन बार ही आया है, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह में तीन इस तरीके से लिख देंगे, और यहाँ पे हम तीन लिख देंगे। पांच हमारा कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांच जो है हमारा कितनी बार आया है, पांच बार आया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है। अब हम सिक्स को देख लेते हैं, पहले हम रफ कर देते हैं, ठीक है, फिर हम सिक्स को ढूंढेंगे, सिक्स हमारा कितनी बार आया है, तो सिक्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है, सिक्स जो है वो हमारा चार बार आया है, तो मिलान चिन्ह में इस तरीके से करेंगे, ठीक है। सात कितनी बार आया है, एक बार और दो बार, सात जो है वो हमारा दो बार आया है, मिलान चिन्ह में ऐसे लिखेंगे। आठ हमारा कितनी बार आया है, तो आठ जो है एक ही बार आया है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे और यहाँ पे हम मिलान चिन्ह में ऐसे लिखेंगे। नौ हमारा कितनी बार आया है, नौ एक बार आया है, ठीक है, नौ एक ही बार आया है, तो इसको हम एक इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, मिलान चिन्ह में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या देख लिया, इस तरीके से हमने देख लिया कौन कितनी बार आया है, उनका मिलान चिन्ह भी हमने देख लिया। इन्होंने कहा था सारणीबद्ध रूप में संगठित करो, तो सारणी के रूप में हमने इसको बना दिया है। फिर आगे ये कहते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो भाई सबसे बड़ा अंक हमने यहाँ पे देखा था नौ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा अंक नौ है, फिर बोले सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक एक है, ठीक है, तो हम यहाँ चाहे तो यहाँ पे लिख देख लेते, नीचे जगह है, हाँ बिल्कुल है जगह, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे भी हमारे पास जगह है ही, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। पहला वाला आंसर सबसे बड़ा अंक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
सबसे बड़ा अंक। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है? 9 है। फिर दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें था सबसे छोटा अंक, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटा अंक जो कि है हमारा 1। तीसरे वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है? परिसर क्या है? परिसर की बात की है, तो परिसर हमारा क्या होता है? अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परिसर। ठीक है, चाहे तो फॉर्मूला भी लिख दो, बढ़िया बात होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इन्होंने उसमें क्या कहा है? फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहा है अंकगणितीय माध्य बताओ। ठीक है, क्या बताना है? माध्य बताना है, तो माध्य को हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, हम नीचे जोते हैं। ठीक है, माध्य को हम यहाँ पे करते हैं, चौथे वाले पार्ट को यहाँ पे करेंगे। इन्होंने कहा है माध्य बताओ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंक गणितीय माध्य। ठीक है, तो माध्य हमारा क्या होता है? अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। ठीक है, अंकों का योग मतलब हमारे पास जो भी नंबर दिए गए हैं उनका हम योग करेंगे, तो हमारे पास क्या है? 4, 6, 7, 5, इनको हम जोड़ते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, फिर 3, 4, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 5। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या क्या है? 3, 5, 4, 5 के बाद हमारा है 2, 6, 2, 5, 1। ठीक है, 2, 6, 2, 5, 1। ठीक है, अब 1 के बाद हमारा क्या दिया गया है? 9, 6, 5, 8। 9, 6, 5, 8। ठीक है, 9, 6, 5, 8। फिर उसके बाद है 4, 6, 7। 4, 6, 7। अब हम यहाँ पे, वहां पे जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4, 6। क्या है? 7 था 8 था 7। ठीक है, यहाँ पे 7 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बराबर को यहां से हटा देते हैं, बराबर को हम लगा लेते हैं बीच में, और बटे में हम देखते हैं भाई कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। 4 और 6 10, 10 7 17, 17 और 5 7 5 12, 22, 22 3 25, 25 5 हमारा हुआ कितना? 30, 30 और 4 हमारा 34, 34 5 29। ठीक है, 39, 34 और 5 39, 39 और 2 41, 41 और 6 47, 47 और 2 49, 49 और 5 हमारा हो जाएगा 49 और 5 54, 54 1 55, 55 और 9। ठीक है, 55 और 9 हमारा कितना हुआ? 55 और 9 64, 64 और 6 हमारा हुआ 70, 70 और 5 75, 75 और 8, 8 पर 13, 75 और 8, 75 और 8 हमारा कितना हुआ? हमारा 75 8 5 13, 83, 83 और 4, 83 में 7 जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 83 में 7 जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 90, 90 में ये 6 जोड़ेंगे 96, 4 100, 100 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 100 हुआ, अपॉन में हमारा 20 था, काट देंगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो अंकगणितीय माध्य हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से इसको पूरे क्वेश्चन को साथ में ही यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को आप साथ में देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं की बात कर रही है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पांच पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्याओं की बात की जाती है तो वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये पांच हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। एक से स्टार्ट नहीं करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। अगर पूर्ण संख्याओं की बात होती है तो वो हमेशा हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माध्य। तो माध्य में क्या करते हैं, जो हमारे अंक दिए होते हैं उनको हम जोड़ते हैं, मतलब 0+1+2+3+4, और कितनी संख्याएं हमारी है उसको अपॉन में लिखेंगे। टोटल पांच संख्याएं हैं तो पांच को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम उनको जोड़ेंगे, एक और दो को जोड़ा, तीन, तीन और तीन छः, छः और सात हमारा कितना हुआ, सात सात छः छः 12, 13/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल गड़बड़ है, 13 थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो एक और दो, तीन, तीन तीन छः, छः चार 10, 10 हुआ, 10/5, पांच एकम पांच, पांच दूनी 10, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना, हमारा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है, वहां पे भी विजिट करना मत भूलिएगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो भाई बाय बाय।